चुनाव आयोग ने भले ही कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते रैलियों पर, जनसभाओं पर, साइकिल यात्राओं पर, बाइक यात्राओं पर रोक लगा रखी हो, लेकिन नेताजी क्या कह रहे हैं, तमाम सारे जो लोग हैं, खासतौर से जो टिकट की आस रखते हैं, वो इसी तरीके से हर दिन सुबह सुबह कभी पार्टी कार्यालय पहुंचते हैं, कभी नेताजी के आवास पर पहुंच जाते हैं। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के नरेश उत्तम, उनका आवास है ये बहुखंडी में, और यहाँ तमाम सारे लोग सुबह से ही पहुँचे हुए हैं। भीड़ हमें यहाँ पर भी नज़र आ रही, कुछ लोग मास्क लगाए भी हैं, कुछ लोग बिना मास्क के भी नज़र आ रहे हैं। ऐसे में सबसे ज़्यादा मुश्किल नेताओं की बढ़ चुकी है। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ सुबह से ही इसी तरीके से भीड़ हो जा रही है और हर कोई टिकट की उम्मीद लगाए बैठा हुआ है, तो लोग बायोडाटा भी लेकर आते हैं, ये भी कहते हैं कि उन्हें ही टिकट दिया जाए। देखिए, तमाम सारे लोग यहाँ पहुँचे हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम बरेली से आए हैं, बिथरी चैनपुर विधानसभा से। टिकट की आस है? जी जी, शिवचरण कश्यप नाम हमारा। हम ऐसी जगह से मांग रहे हैं टिकट जहाँ कश्यप ही एमएलए बनता है। आप कहाँ से आए? मैं सर हरदोई से आया हूँ। अभी अपना बायोडाटा वगैरह लाए? हाँ लाया हूँ। टिकट चाह रहे हैं? हाँ, 158। सुबह ही आ गए थे? हाँ, मॉर्निंग में। आपका क्या नाम है? मैं अलीगढ़ से हूँ, अशोक यादव। आप भी टिकट चाह रहे हैं? शुभकामनाएं देने आए अपने प्रदेश अध्यक्ष को, आने वाले सरकार बन रही है इसलिए। ज्यादातर लोग यहाँ ऐसे ही नजर आ रहे हैं। आप कहाँ से आए? अलीगढ़ से आए, राजेश यादव। टिकट की आस है? शुभकामनाएं देने, सरकार बनने जा रही है। देखिए, बहुत सारे लोग आपको इधर भी नजर आएंगे, यहाँ पर भी तमाम सारे बिना मास्क के ही लोग आ गए हैं, बहुत सारे लोग बिना मास्क हैं। भले ही चुनाव आयोग तमाम सारी बातें कहे, कोरोना को लेकर गाइडलाइन जारी करे, लेकिन देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग पहुंचे हुए यहाँ पर। आप कहाँ से आए हैं? हालांकि इन्होंने मास्क नहीं लगाया, इनसे बात नहीं करेंगे। आपने मास्क लगाया, क्या नाम है आपका? गजेंद्र सिंह चंदेल। गजेंद्र जी, कहाँ से आप आए? 208 विधानसभा, भोगनीपुर, कानपुर देहात। तो आप चाह रहे हैं कि टिकट पार्टी आपको दे? हैं बिल्कुल भाई, युवाओं को मौका मिलना चाहिए। अच्छा, और इसीलिए आप आए हैं। और भोगनीपुर विधानसभा से हमारी बिरादरी का 45,000 वोट है, क्षत्रिय समाज से। तो अपना बायोडाटा वगैरह भी लाए होंगे? हैं हाँ, वो तो हम सारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दे चुके हैं। देखिए, बहुत सारे लोग बुके भी लेकर पहुंचे हैं यहाँ पर। प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम को उनका जन्मदिन भी था, तो बहुत सारे लोग विश करने के लिए। आप कहाँ से आए हैं? मैं जालौन से, कालपी मलखान सिंह यादवपुर छात्र संघ अध्यक्ष। आप भी टिकट चाह रहे हैं? नहीं, हम टिकटार्थी नहीं हैं, हम संगठन के लोग हैं। बरसों से अखिलेश जी और उत्तम जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। देखिए, बहुत सारे लोग यहाँ पहुँचे हैं, हर कोई, ज़्यादातर लोग हमें ऐसे ही मिले जो टिकट की आस लेकर पहुँचे हैं। और चुनाव करीब है, जाहिर सी बात है, पार्टी का जो कार्यकर्ता है, पार्टी के जो नेता हैं, जो लगातार लंबे समय से काम कर रहे हैं, 5 साल में चुनाव आते हैं, तो कोशिश उसकी भी रहती है कि किसी तरह संगठन से अगर टिकट मिल जाए और वो मेहनत करें तो चुनाव जीतें, विधायक बने। ये हर नेता का सपना होता है, हर कार्यकर्ता का सपना होता है। पर जब चुनाव आयोग ने रोक लगाई हुई है जो जनसभाएं करने पर, यात्राएं करने पर, तो ऐसे में कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, पार्टियों को भी ये देखना चाहिए कि जब भी अगर लोग जुटें, भीड़ जुटें, तो कम से कम कोविड के जो प्रोटोकॉल हैं उनका भी पालन जरूर हो। कैमरा से वीरेन के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।